नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और स्वागत है आपका आज के पार्ट में। मैं एक एरर बताने वाला हूं आज, जो हमारी ज़्यादातर विजुअल स्टूडियो में कुछ कारणों से आती है। एरर ज़्यादातर आपको मैं दिखाता हूं कैसे आती है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो। जैसे मैं एक विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, और इस सॉफ्टवेयर में जैसे ही मैं इसको डीबग कराता हूँ तो ये एरर आती है, लिखा होगा देयर वर बिल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, ऐसे करके एक एरर आती है। तो जैसे ही हम इसको नो करते हैं एरर्स बताता है, तो इसमें ये बताया जाएगा कि कुड नॉट कॉपी ऑब्जेक्ट डीबग, आपकी जो प्रोग्राम है, यानी जैसे मेरा एक exe फाइल है परिणाम os.exe, ये बोल रहा है इसको बिन में, मतलब कि कॉपी नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो इस टाइप की एरर आती है। ये एरर कोई ऐसा स्पेसिफिक आपकी कोडिंग की एरर नहीं है, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट आपको ये समझ लेना है। ये आपको इमेज डाली हुई है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आपको पता लग जाएगा। ये इस टाइप की एरर नहीं है जो कि कोडिंग आपके प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से रिलेटेड हो। बस इसको आपको ये समझना ये है कि जो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, जैसे आप टास्क मैनेजर खोलेंगे, विंडो आर में जाएं, टास्क MGR लिखें, टास्क मैनेजर खुल जाएगा। तो देख रहे हैं आप, विजुअल स्टूडियो खुला हुआ है और SQL सर्वर खुला हुआ है और सारे बहुत सारे ऐसी आपकी एप्लीकेशंस खुली हुई होंगी, तो कोई ना कोई इसके प्रोसेस को यूज़ कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस कारण ये एरर आती है। कई बार ये एक्सपीरियंस होता है स्काइप के कारण, स्काइप उस प्रोसेस पर उसको यूज़ करने लग जाता है, तो विजुअल स्टूडियो के पास प्रोसेस नहीं रहता, इसलिए वो आपका डीबग नहीं कर पाता प्रोग्राम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले सर्विसेज में जाएं, ठीक है, और सर्विसेज में जाके यहाँ एस लिख दें तो आपको SQL सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। देखिए आपको यहाँ देखना होगा SQL सर्विस, ये आपकी रनिंग होनी चाहिए। अगर ये रनिंग ना हो तो राइट क्लिक करें और इसको स्टार्ट कर दें, ठीक, पहला ये चीज़ है। दूसरा हमारा क्या है कि जो भी आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, आप टास्क मैनेजर में जा रहे हैं और जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उन प्रोसेसेस को आप एंड कर दें सबको। जो भी अगर कोई विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड VS होस्ट करके, VS करके आपका प्रोसेस चल रहा हो, जो भी आप उसको एंड कर दें, तो वो जैसे ही आप उस प्रोसेस को एंड करेंगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो भी एक बार इसको भी एंड टास्क कर दे इस प्रोसेस को, जिससे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इन सब को आप यहाँ से प्रोसेसेस को बंद कर दें और इसको बंद कर दें और दोबारा विजुअल स्टूडियो रन कराएं, दोबारा अपना प्रोग्राम खोलें और इसको डीबग करें। यहाँ आ रहा है बिल्ड स्टार्टेड लिखा हुआ, तो ये आपका तुरंत प्रोग्राम खुल जाएगा, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी।